वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु शब्द दे नाल जोड़न वालियां रूहां इस कलयुगी दुनिया दे विच बहुत घट मिलदियां ने, पर जदों इहो जिहे लोग साडे चों चले जांदे ने, इहो जिहियां रूहां साडे चों चलियां जांदियां ने, तां कदे ना पूरा होण वाला घाटा हुंदा। इह तस्वीर तुसीं वेख रहे हो, रागी भाई जोगिंदर सिंह जी, जिन्हां दे जाण दा जम्मू कश्मीर दी सिख संगत नूं बहुत घाटा पिया, क्योंकि रागी भाई जोगिंदर सिंह जी होणा ने सिर्फ जम्मू विच नहीं, जम्मू दे बाहर भी कीर्तन कीता, और इन्हां नूं जाणिया जांदा सी कि भाई साहब जी जम्मू कश्मीर दी धरती तों ने, और बहुत अपनी पूरी जिंदगी रागी भाई जोगिंदर सिंह जी होणा ने गुरु शब्द दे नाल संगतां नूं जोड़दे हुए लंघाई। नानक नगर जम्मू दे रहण वाले ने भाई जोगिंदर सिंह जी, और इन्हां दा जिहड़ा काफ़ी लंबे समय तो यह बीमार चल रहे सन, और 14 दिन फोर्टिज़ हस्पताल दे विच भी एडमिट रहे ने, पर परमात्मा नूं जो भाणा मंजूर सीगा उही होना सीगा। जिन्नी जानकारी इन्हां दे परिवार तो सानू मिली है तुहाडे नाल सांझी जरूर करांगे। रागी भाई जोगिंदर सिंह जी होना ने जम्मू दे भी बहुत सारे गुरु घरां दे विच कीर्तन की सेवा निभाई, जिवें टाली साहिब गुरद्वारा साहिब, चट्ठे गुरद्वारा साहिब विखे, गोल गुजराल, गुरु नानक नगर गुरद्वारा साहिब विखे भी, और नाल ही बंगला साहिब गुरद्वारा दिल्ली विखे भी इन्होंने जड़ी अपनी कीर्तन की सेवा निभाई है। बहुता समा रागी भाई जोगिंदर सिंह जी होना ने महंत साहब जी होना दे नाल गुजारिया, ते वड्डे महंत साहब जी भी उन्हां दे नाल भी काफ़ी लम्मा समा इन्होंने गुजारिया, क्योंकि इन्हों की जड़ी कीर्तन दा सीखना, कीर्तन की सेवा शुरू करना इन्होंने डिग्यान आश्रम तो ही, जिन्नी क परिवार ने जानकारी दी है कि उतों ही की सी। इस समय इन्हों की बेटी भी क्लासिकल दे विच पूरे रागां दे नाल कीर्तन करती है, परिवार भी बहुत गुरसिखी जीवन ज्यो रहा हैगा वा, ते बहुत सारे बच्चों नूं भाई साहब जी होना ने कीर्तन नाल जोड़िया, कीर्तन सिखाया भाई साहब जी होना ने रागी जोगिंदर सिंह जी। जम्मू कश्मीर दे विच बहुत सेवा, 30 तो 35 साल हो गए ने भाई साहब जी होना नूं कीर्तन की सेवा करदिया होया, परिवार ने जिदा जानकारी साढ़े नाल सांझी कीती है, और बड़ी ही दुखी हिरदियां दे नाल अज सारयां नूं ये खबर मिली कि भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी अकाल चलाणा कर गए ने। फोर्टिस हस्पताल दे विच 14 दिन एडमिट रहे, फिर परिवार ने दस्या कि 2-3 दिन तो बत्रा हॉस्पिटल दे विच सन, ते कल शामी 7:30 बजे वह सारयां नूं विछोड़ा दे के चले गए ने। अज यानी कि 22 नवंबर अज शामी 4 बजे उन्हां दा जिहड़ा मृतक देह दा अंतिम संस्कार है शास्त्री नगर विखे होवेगा, क्रीमेशन ग्राउंड शास्त्री नगर शमशान घाट विखे। सारी संगत ही जरूर उन्हां दे अंतिम दर्शनां दे लई पहुँची है, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने संगत नूं गुरबाणी दे नाल जोड़िया, गुरु घरां दे विच कीर्तन कीता, गुरबाणी रस लोग संगतां दे कन्नां दे विच पाया, और बहुत सारे परिवारां नूं गुरसिखी जीवन जिउण दे लई प्रेरित कीता। अपना परिवार भी बहुत गुरसिखी जीवन जिउ रहा हैगा, भाई साहब जी होणा दा परिवार, भाई साहब जी होणा दी बेटी बहुत सोहणा कीर्तन करदी है जिस तरह दे नाल परिवार ने दस्या हैगा। इस समय परिवार दे विच गुरु नानक नगर जिहड़ा एरिया जम्मू दा उस दे विच और पूरे जम्मू कश्मीर दे विच बहुत ज़्यादा सारे ही सोग दी लहर है, क्योंकि भाई साहब जी होना दी बहुत सेवा सी, पर जो परमात्मा अकाल पुरख के भाने के रहना पैंदा, जो परमात्मा नूं मंजूर है, जिन्नी श्वासा की पूंजी बख्शी है उन्नी ही भोग के हर एक ने इस दुनिया तो रुखसत होना है। लेकिन भाई साहब जी होना दी जिद्दां मैं पहला भी सांझा किया, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे गुरु घरां दे विच सेवा रही है, जिवें टाली साहिब गुरद्वारा साहिब, चट्ठे विखे, गोल गुजराल, गुरु नानक नगर गुरद्वारा साहिब विखे, गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली विच भी इन्होंने कीर्तन की सेवा जिहड़ी भाई साहब जी होना ने निभाई है। अपनी बहुत सारी जिंदगी इन्होंने डिग्यान आश्रम के गुजारी, उतों ही इन्होंने कीर्तन की जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਕ੍ਰਿਮੀਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।